खानका डोगरा में खुरम शहजाद शेराजी, रमजान राजपूत और सरदार इमाद ने मकामी मार्की में मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार एनए 116 सरदार इरफान डोगर के एजाज में एक बड़े जलसे का इनेकाद किया, जिसमें मकामी क्यादत, शहरियों और वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मुदस्सर अली भट्टी से। मुदस्सर अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मैं एक मकामी हाल में मौजूद हूँ जहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ा पावर शो किया है, जिसमें उनके जो मेजबान थे खुरम शराजी और रमजान राजपूत ने ये प्रोग्राम इनका किया, जिसमें उनके मेहमान अन्य 116 उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून सरदार इरफान डोगर से, वो जब यहाँ पर पंडाल में दाखिल हुए उनका फूलों की पत्तियां छावर करके शानदार उनका इस्तकबाल किया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सरदार इरफान डोगर साहब, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, आज जो जलसा हुआ है, आज इन्होंने जिस तरह मेरा इस्तकबाल किया है मियों बरादरान और शराजी बरादरान ने, साबित कर दिया है कि इंशाल्लाह ये नवाज शरीफ का किला है खानका डोगरा और गढ़ बन के रहेगा और इंशाल्लाह कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ की इधर से सीटें दोनों जीतेंगे। मैं ये कहूंगा कि इंशाल्लाह ताला सरदार इरफान साहब जीतेंगे। जी बिल्कुल, हमने आप ये गैदरिंग दिखाए लोगों को कि कितनी गैदरिंग है और ये सारे ये सब की सरदार इरफान के ये दिल में बसते हैं और ये लोग इंशाल्लाह सरदार इरफान को जिताएंगे, इंशाल्लाह सरदार इरफान जीतेंगे जी इंशाल्लाह। तो जैसा कि आपने ये मजमा देखा है, यहाँ पर कारकुन और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है, ये मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये पावर शो ने साबित कर दिया है कि खानका डोगरा मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। जी